हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की जो कि मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी साबित होंगे। जून के महीने में मेष राशि के जातक क्या विशेष करें जिससे उनके जीवन के बहुत सारे दुख दूर हो जाएं और जीवन का पल पल बहुत अच्छे से व्यतीत हो। मेष राशि एक बहुत विशाल राशि है। मेष राशि के जातक बहुत विशाल हृदय के होते हैं और कहीं ना कहीं मेष राशि के जातक दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले होते हैं, फर्म डिटर्मिनेट होते हैं। कहीं ना कहीं जिस चीज़ को मेष राशि के जातक ठान लें उनको नींद नहीं आती है जब तक वो अपनी उस चीज़ को पूरा नहीं कर लेते। हाँ, कहीं ना कहीं अगर बुध इनकी जन्म पत्रिका के कमज़ोर हों तो आलस्य की मात्रा इनमें बढ़ जाती है। आज का काम कल पर इनका मन टाल देता है, लेकिन उस काम को करने का इनका मन बहुत रहता है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ इनमें और पाई जाती है कि कई बार किसी चीज़ का इनसे इंतज़ार नहीं होता। अगर कोई बात ऐसी हो कि 15 दिन उस चीज़ के बीच में पड़े हैं या 15 दिन आपकी यात्रा में हैं या 15 दिन के बाद ये चीज़ आने वाली है, तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक बेताबी बढ़ जाती है। हालांकि बड़े भावुक इमोशनल होते हैं और कई बार भावनाओं में धोखा भी खाते हैं। आँखों से आंसू जल्द गिरने वाली ये राशि होती है, लेकिन स्वामी मंगल हैं, वीरता के सूचक हैं, तो आँखों से आंसू किसी डर में नहीं, भावनाओं में इनके गिरते हैं। मेरे दर्शकों, बहुत अच्छी राशि है जिनकी भी ये मेष राशि होती है। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल का रंग लाल होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो ये उपाय करेंगे वो कौन लोग करें। यदि आपके जन्म की राशि मेष है आप उपाय करें, यदि आपके पुकारते नाम से आपकी राशि मेष बनती है तो आप ये उपाय करें। हमने पिछले महीने के उपाय थोड़ा लेट हो गए थे देने में, इसीलिए इस बार हमारा प्रयास है कि एक वक्त रहते आपको उपाय मिल जाए, क्योंकि 1 तारीख के आसपास से आप उपाय प्रारंभ कर देते हो ताकि पूरे महीने जितने भी 3-4 मंगल आपसे बन पड़ता है आप उतना उपाय करते हैं। हमारे कुछ नए दर्शक भी बीच बीच में जुड़ते रहते हैं, तो जो नए दर्शक इन उपायों को करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि बेटी की राशि मेष है या बेटे की राशि मेष है, तो वहाँ माता का ये सवाल आता है या पिता का आता है, क्या हम बेटी के लिए उपाय कर सकते हैं, पुत्र के लिए उपाय कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी किसी के लिए कोई उपाय कर सकता है, भगवान ने मना नहीं किया है। लेकिन अगर स्वयं अपने लिए दवाई खाई जाए, स्वयं अपने लिए उपाय किए जाएं, तो ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। अब ये तो आपने जाना कि मेष राशि के जातक बोलते नाम वाले जो हैं वो उपाय कर लें या जिनकी जन्म की राशि है वो उपाय करें। देखो, हमारे जीवन में जो इफ़ेक्ट आता है वो ज़्यादातर जन्म की राशि का आता है। अब ये कैसे जाने कि आपके जन्म की राशि मेष है, या आप अपनी जन्म पत्रिका से देख सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में, आपके लग्न चार्ट में आपके चंद्रमा 1 नंबर के साथ लिखें तो मेष राशि है। 1 नंबर की जो राशि होती है वो मेष होती है, 2 नंबर की वृषभ, 3 नंबर की मिथुन, ऐसे अप टू मीन राशि तक 12 जोड़े नंबर चले जाते हैं। अब हमें जून के महीने में मेष राशि वाले जातक क्या विशेष उपाय करें जिनसे उनके जीवन के तमाम कष्ट दूर हों और उनको लाभ मिले। बहुत अच्छे उपाय जून महीने के लिए आपके लिए लेकर के आया हूँ। और जून महीने में एक चीज़ और ध्यान रखें, 3 चीज़ें भी हैं, सोमवती अमावस्या भी है, गंगा दशहरा भी है और निर्जला एकादशी भी है। जो माताएं बहनें निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं ये महीना बड़ा उत्तम है। वट सावित्री का व्रत, सोमवती अमावस्या का पर्व, ये महीना बड़ा उत्तम है और साथ में गंगा दशहरा जैसा विशेष पर्व मनाना न भूलें। हालांकि गंगा सागर में बहुत अच्छे से ये पर्व मनाया जाता है, वैसे तो देश के कोने कोने में ये पर्व मनाया जाता है। और हम हिंदू शास्त्रों में यही है
कि हमारे बहुत सारे तीज त्यौहार आते रहते हैं जिससे मन कहीं ना कहीं धर्म की ओर लगा ही रहता है। बहुत लोग कई बार उपहास कर देते हैं कि भाई हिंदू शास्त्रों में, आपके सनातन धर्म में इतने सारे बार बार तीज आते हैं, त्यौहार आते हैं। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, ताकि मन सराबोर रहे, धर्म से मन ना टूटे, हमेशा धर्म के अंदर मन लगा रहे। ये बहुत बड़ी विशेषता है हिंदू धर्म की। खैर, क्या उपाय करना है, ध्यान रखें। जून महीने में 3 मंगलवार ये उपाय किया जाए तो बहुत अच्छे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पहला उपाय, किसी भी अपंग व्यक्ति को, जैसे कोढ़ी होते हैं या किसी का हाथ पैर कटा हो, किसी भी अपंग व्यक्ति को लाल फल या लाल मिठाई 2 या 3 मंगलवार मेष राशि के जातक जरूर दें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, तंदूरी पकवान, जैसे तंदूरी ब्रेड, तंदूरी रोटी, तंदूर से पकने वाला ख़ास तौर से कोई भी खाद्य पदार्थ, लेकिन नॉन वेज नहीं, वेज। तंदूरी रीति से कोई भी पकने वाला भोज्य पदार्थ, जैसे तंदूरी रोटी आपने देखा हो बनती है, तंदूरी नान बनते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ मंगलवार के दिन 2 या 3 मंगलवार आप उसको ज़रूर खाने में यूज़ कीजिएगा। अब देखो, हर व्यक्ति ने घर में तंदूर नहीं लगाया होता, लेकिन ढाबे में, मार्केट में, किसी छोटे रेस्टोरेंट में, होटल में कहीं ना कहीं तंदूरी रोटी मिल जाती है। तो आप मंगलवार के दिन भोजन में तंदूरी रोटी का बाहुल्य बढ़ा लें। अब देखो उपाय कितना शानदार है, मंगल का संबंध अग्नि से भी है, और मंगल का संबंध तेजताप से भी है, मंगल का संबंध वीरता से भी है। तो तंदूरी पकवान खाना, तंदूरी खाद्य पदार्थ खाना और तंदूरी ही खाद्य पदार्थ बांटना मेष राशि वाले जातकों के लिए अति शुभता का लक्षण लेकर के आएगा। और ऊपर से जून का महीना गर्मी का महीना, गर्म होती है, ख़ास तौर से उत्तरी भारत की यदि हम बात करें तो अच्छी खासी गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं मेरे दर्शकों, मंगल देवता के 108 नाम यदि मेष राशि के जातक मंगलवार के दिन पढ़ते हैं तो अति उत्तमता का लाभ मिलता है। एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें, मंगलवार के दिन यदि आप लाल तिलक मस्तक पर लगा करके रखते हैं, इससे भी आपकी राशि में बहुत ज़्यादा एक बल आता है, आपकी राशि से आपको बहुत कुछ प्राप्त होने लगता है। राशि इन द सेंस, आपके राशि के जो राशिश हैं, स्वामी हैं, मंगल हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपके जीवन में दिव्यता आने लगती है। तो मेरे दर्शकों, जून महीने के मैंने आपको बड़े सरल, बड़े आसान उपाय बताए हैं, इन उपायों में से आप ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम जुलाई महीने में क्या करेंगे, वो हम जुलाई महीने के लिए आप इंतज़ार करें कि जुलाई महीने के क्या विशेष उपाय आपके लिए होंगे जिनसे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मेरे दर्शकों, एक चीज़ आपसे और कह देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे विशेषांक मैं समय समय पर आपके लिए बनाता आया हूँ और बनाता रहूँगा। मंगल देवता के 108 नाम आप हमारी फेसबुक पर जाकर के वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, मतलब वहाँ से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं, मंगल देवता के 108 नाम। कई बार आपको विशेष स्तोत्र आदि नहीं मिलते, तो उसके लिए एक सुविधा हमने और की है, हमारा एक चैनल है दूसरा, श्री इंद्राक्षी धाम, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखें। वहाँ पर हमने बहुत सारे कवच विद वॉइस आपको बताए हैं, स्तोत्र हैं, जैसे दुर्गा कवच है, दुर्गा सप्तशती है, बहुत सारी चीज़ें, सिद्ध गुंजी का स्तोत्र है, भगवती के 108 नाम है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिल पाती हैं शुद्ध तरीके से, तो वो आपको हमारे इंद्राक्षी धाम चैनल से भी प्राप्त हो जाएंगी, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। अब अगले महीने के हम उपाय आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करने हैं। एक बार मैंने जो 3 तीज आपको बताए हैं, इनकी तारीखें आपको और बता देता हूँ, ताकि हमारी माता बहनों को या जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं उनको बहुत लाभ मिल जाएगा। ध्यान से सुन लें, सोमवती अमावस्या वट सावित्री व्रत 3 जून का रहेगा, गंगा दशहरा 12 जून का रहेगा, और निर्जला एकादशी
13 जून की रहेगी। एक संदेश, यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं उसके लिए आप संस्थान से हमारे कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी भी तरह की जीवन में दुविधा हो, आपके पास आपकी जन्म पत्रिका सही से ना बनी हो, इंसान अपने हाथ की रेखाओं को दिखाकर भी अपनी बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय 10:00 से 6:00 तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है।